दोस्तों स्वागत है दीदी की रेसिपी में। आज हम बनाएंगे टेस्टी टेस्टी फ्रेंच फ्राइज की रेसिपी, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंच इस तरह आपको लेना है और इस तरह कहा लेना है, बहुत ही डिलीशियस लगता है ये। देखिए दोस्तों, फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लंबे लंबे आलू लिए हैं, तो इतना बड़े बड़े हमें आलू चाहिए रहते, इसमें छोटे आलू उतने अच्छे नहीं बनते हैं। तो इन आलुओं को सबसे पहले मैं छील लूंगी, तो फटाफट से इन आलुओं को हमें छील लेना है इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स, आलू को छीलते ही हमें डायरेक्टली पानी में डाल देना है, नहीं तो वो काले पड़ जाएंगे। तो आलू छीलते जाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, आलू को मैंने छील लिया है, तो इसे कट कर लेना है। तो सबसे पहले ये कटना है और यहाँ का हिस्सा कट कर लेना, तो इस तरह से इसका पार्ट कट कर लेना है। तो मैं सभी आलूओं का ऐसे कट कर ले रही हूँ। तो हमें आलू को लेना है सिंपली आलू काटने के लिए, फ्रेंच फ्राइज काटने के लिए। फ्रेंड्स मैं इस तरह से आलूओं को कट कर रही हूँ। वैसे तो मार्केट में इसका कटर भी आता है, पर मेरे पास तो नहीं है, और जिनके पास भी नहीं होगा तो इस तरह से वे कट कर लेंगे। अभी ने इस तरह से पतला पतला कट कर लेना है। आलू को ज़्यादा पतला भी नहीं रखना है, ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है, नहीं तो पकने में समय लगाएंगे और क्रंची भी नहीं होंगे। तो इस तरह से कट कर लेना है, ये देख रहे हैं ना आप, तो इस तरह से इसकी स्लाइसेस आनी चाहिए। तो इसी तरह मैं कट कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, आलूओं को मैंने पानी में डाल दिया है, लेकिन इसे अच्छे से वॉश करके हमें फिर से इसे पानी में डालना है 15 मिनट के लिए। मैंने फिर से धोकर पानी में डाल दिया है, तो इसे 15 मिनट के लिए रख देना है पानी के अंदर, ताकि इसका सारा स्टार्च निकल जाए। तो इसे छोड़ देते हैं 15 मिनट के लिए। देखिए फ्रेंड्स, 15 मिनट हो गए हैं, तो इन आलूओं को मैं प्लेट में निकाल ले रही हूँ। तो इस तरह से पहले आलूओं को निकाल लेना है। अब इन आलूओं को मैं डाल दूंगी इसे टावल पे, तो सूखे टावल पे डाल देना है। सिंपली इसे क्या करना है, पोंछ लेना है, ताकि इसका सारा पानी है जो सूख जाए। तो आप थोड़े पंखे के लिए भी 2 मिनट के लिए रख सकते हैं, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इस तरह से सिंपली इसे पोंछ लेना है, ताकि आलूओं का जो मॉइस्चर है वो निकल जाए। तो ये देखिए, आलू को इस तरह से मैं 2 मिनट के लिए छोड़ रही हूँ, ज़्यादा नहीं, ताकि इसका मॉइस्चर निकल जाए। देखिए फ्रेंड्स, ये आलू के जो चिप्स हैं इनको मैं निकाल लेती हूँ, यानी कि जो आलू को मैंने कट किया था। तो इस तरह से उठा लेती हूँ इसके प्लेट में मैं, मेरी जबान फिसल जा रही है बार बार। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब इसे चलते हैं फ्राई करने के प्रोसेस में। फ्रेंड्स कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया है, और तेल ठंडा ही है, ज़्यादा गर्म नहीं हुआ है, तो बहुत हल्का गर्म है। तो इसमें क्या करना है, आलूओं को बिछा देना है, और फ्लेम को मैंने हाई पे रखा है, ताकि तेल भी गर्म होंगे उसी के साथ इसे पकना है। तो मैंने इसे ठंडे तेल में डाला है, तो सभी आलूओं को इस तरह कढ़ाई में बिछा दूंगी मैं। तो इसे पकने देना है, इसे 3 से 4 मिनट लगे। फ्रेंड्स स्टार्टिंग में हमने तेल को गर्म करने के लिए हाई फ्लेम पे रखा था, जबकि ये उबलने लगा है, तो मैंने मीडियम फ्लेम पे रख दिया है। तो 3 से 4 मिनट इसे अच्छे से पका लेना है, ये देखिए। तो देखिए फ्रेंड्स, 5 से 6 मिनट हो गए, आप इनका कलर देखिए चेंज हो रहा है। तो ध्यान रखने वाली बात ये है कि इसे बार बार चलाना नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, आलू हमारे कुक हो गए हैं, तो इसे मैं निकाल ले रही हूँ स्टेनर पे। इसे डबल फ्राई करना है, आलू हालांकि पक गए हैं, लेकिन इसे डबल फ्राई करेंगे तो ये बहुत अच्छे लगेंगे। देखिए फ्रेंड्स, तेल में से हल्के हल्के धुएं जैसा लग रहा है, यानी तेल अच्छे से गर्म हो गया है। तो मैं क्या करूंगी, आलू को इसे फिर से डाल दूंगी एकदम। तो इसे फिर से फ्राई करना है, ये देखिए इस तरह से, तो इस तरह से आना चाहिए। फ्रेंड्स इसका कलर कितना जल्दी से बदल गया है, तो 1 से 2 मिनट के लिए इसे पकाना है। तो बहुत ही जल्दी इसका कलर देखिए चेंज हुआ है, तो अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मिनिमम इसे 2 मिनट लगेंगे इसे क्रिस्पी करारा होने के लिए। तो ये डबल फ्राई करना बहुत ही जरूरी है हमारे फ्रेंच फ्राइज को। तो देखिए बहुत ही जल्दी कलर बदली हुआ है।
देखिए फ्रेंड्स, हमारे फ्राइज हैं जो एकदम रेडी हो गए हैं, तो मैं इसे डिश आउट कर ले रही हूँ। ये देखिए, सुपर टेस्टी, सुपर डिलीशियस, सुपर क्रंची, बहुत ही हो गए हमारे फ्रेंच फ्राइज। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे फ्राइज एकदम बिल्कुल रेडी हो गए हैं। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब आप डबल फ्राई कर रहे हैं इसे, तो तेल एकदम धुआंधार गर्म होना चाहिए, बिल्कुल ठंडा नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये सिंक हो जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इस पे थोड़ी सी मिर्ची पाउडर डालूंगी, हमारे घर में स्पाइसी खाते हैं, और हल्का सा नमक। तो इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी, ये देखिए। और इस तरह से आप इसे केचप के साथ खा सकते हैं। आपके घर में पार्टी, मेहमान आने वाले हो और आपके घर में बच्चे, तो मजे से खाएंगे ही। तो हमारा फ्रेंच फ्राइज बिल्कुल बिल्कुल रेडी है। आपका जब टीवी भी देखने का मन करे, आप उसके साथ इंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही डिलीशियस लगता है। भर के रख सकते हैं, महीने भर खा सकते हैं, तो आपको इतने महंगे महंगे जरूरत नहीं है। दीदी की रेसिपी देखिए और सीख जाइए। तो देखा दोस्तों, ये मजेदार से फ्राइज कितना जल्दी बन जाते हैं और कुछ ही मिनटों में तैयार। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट में लिखना ना भूले। आगे आपको कौन सी रेसिपी चाहिए ये भी बताइए। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूले, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। तो बाय।